हेलो एस्पायरेंट्स, आज हम एनडीए का टेस्ट पेपर 08 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए, नोट डाउन कीजिए और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स और आइडियाज आपको मिल सकते हैं उन्हें भी एनालाइज कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कहता है कि द इंडियन टेरिटरी विच फेल अंडर द स्टेट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज, इसका आंसर है सी, यानी 54%। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूछा हुआ है हाई सी इज, ओके। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड हाई सी जो पूछ रहा है ये यूएन की डेफिनेशन में भी आता है और हाल ही में करंट अफेयर्स का भी एक पॉइंट भी रहा है। इससे रिलेटेड कुछ कन्वेंशंस हुई हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी देश होता है उसकी अपनी टेरिटरी होती है, ओके, उसके अपना कोस्टल लाइन होता है, उसके अपने नॉर्म्स और रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन इंडिया, फॉर एग्जांपल इंडिया का एग्जांपल लिया जाए तो इंडिया की जो कोस्टल लाइन है वो समंदर में कहाँ तक किसको अथॉरिटी है, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक, ओके, 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया टेरिटरी में काउंट किया जाएगा। और उसके बाद यदि हम EEZ की बात करें, यानी स्पेशल यहाँ पे इकोनॉमिक जोन की बात करें, तो वो किस में चला जाता है, वो 200 नॉटिकल माइल्स तक चला जाता है। इसके बियॉन्ड जो सी लेवल होता है, यानी समंदर तो बहुत बड़ा है, बहुत फैला हुआ है पूरी धरती पर, तो उस समंदर पे, उस समुद्र पे, उस सी पर किसी देश का अधिकार नहीं होता। यूएन उससे रिलेटेड चीज़ों को डील करता है और इसे हाई सी या इंटरनेशनल सी भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है हाई सी क्या है, तो इसमें आपका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। द सी लाइंग बियॉन्ड द 200 नॉटिकल माइल, याद कीजिएगा समंदर की दूरी का ये यूनिट है नॉटिकल माइल, ऑफ अ कोस्ट ऑफ एनी कंट्री, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोज नेचुरल हेरिटेज साइट। अब आपको पता है कि जब यूनेस्को की बात होती है, ओके, यूनेस्को की हेरिटेज साइट की बात हो रही है, यानी कि वैश्विक विरासत की बात हो रही है, विश्व विरासत की, तो ये हेरिटेज साइट होती क्या है। जैसे कि हेरिटेज साइट में इसमें क्लासिफिकेशन भी किए गए हैं। यदि आप यूएन की साइट में जाके देखेंगे तो हेरिटेज साइट को पहला इसका क्लासिफिकेशन होता है जो कल्चरल साइट्स होती हैं, यानी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से जो महत्वपूर्ण स्थल होते हैं। दूसरा जो है वो है आपका नेचुरल साइट, यानी प्राकृतिक रूप से जो महत्वपूर्ण स्थल है। और तीसरा होता है मिक्स्ड साइट, यानी कि जो दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया में केवल एक ही मिक्स्ड साइट है जिसका नाम कंचनजंगा है, ओके। तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी, और इनमें से पूछा है कि यूनेस्को नेचुरल साइट में इनमें से क्या शामिल किया गया है। तो इसमें 3 ऑप्शन है आपका। एक नंबर 1 है आपका केवला देव, ओके, केवला देव। दूसरा आपका ऑप्शन है काजीरंगा। तीसरा आपका ऑप्शन है काजीरंगा, और तीसरा आपका ऑप्शन है मंडप, ओके, क्या मंडप। अब ये जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं तीनों ही आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं। केवला देव जो है इसका, इसे केवला देव, केला देव भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है, ये किस स्टेट में है, तो राजस्थान में है, ओके, राजस्थान में भरतपुर करके एक जगह है। और इस केवला देव जो वर्ल्ड सेंचुरी है, यानी पक्षियों के लिए एक अभ्यारण है, इसे भरतपुर पक्षी अभ्यारण के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो यदि कभी क्वेश्चन इस तरह से आए कि भरतपुर जो आपका बर्ड अभ्यारण्य है वो कौन सा है, तो उसी का नाम केवला देव भी है, इसे याद रखना है। 1982 समथिंग में ये फॉर्म हुआ था। दूसरा है आपका कांजीरंगा। कांजीरंगा आप सबको पता है कि ये असम में है, जिसे अब वर्तमान में असम कह रहे हैं। काजीरंगा वन हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है, एक सींग वाले गेंडे के लिए, तो इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं, ओके। एक तो कहाँ पर है, असम में है, किस लिए फेमस है, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ये पक्षियों के लिए फेमस है केवला देव राजस्थान में। लास्ट देखते हैं मंडप पे भी, मंडप क्या है। तो मंडप जो है यहाँ पर महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स का एक ग्रुप है जिसको कि यूनेस्को हेरिटेज में रखा गया है, ओके।
तो महाबलेश्वरम में जो मॉन्यूमेंट्स हैं, महाबलेश्वरम तमिलनाडु में, इनमें क्या क्या शामिल किया है? न केवल मंडप को किया गया है जो मंदिर का अग्र भाग होता है, ऊपरी सिरा होता है, बल्कि साथ में यहाँ पर रथ को भी और बाकी चीज़ों को भी कुछ ग्रुप में इंक्लूड करके रखा गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। कंबाइंड फॉर्म में इसे कहा जाता है क्या? महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स ग्रुप। ओके, तो मंडप भी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों क्या होंगे? केरला देव, काजीरंगा और मंडप, ये तीनों ही हेरिटेज साइट यूनेस्को के पार्ट होंगे। आप सारी लिस्ट देखिए कौन कौन सी हेरिटेज साइट है, एनालिसिस कीजिए और उनको भी लर्न कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फैक्चुअल क्वेश्चन है। द मेटल डेट इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ इज, मेटल की बात पूछ रहे हैं कि कौन सा मेटल है, यानी कौन सी धातु है जो कि अर्थ क्रस्ट पे, ओके, अर्थ पे, धरती पे बहुत ज़्यादा क्या है, मिलती है। तो अर्थ पे जब मेटल की बात हो रही है तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली क्या है, यहाँ पर धातु है हमारी धरती में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोज्ड सी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा बंद महासागर नहीं है? तो क्लोज्ड सी में आपके ऑप्शन है कैस्पियन सी, अरल सी, ब्लैक सी एंड रेड सी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी रेड सी। आपको मैप उठा लेना चाहिए और रेड सी में आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि रेड सी के चारों तरफ कौन कौन सी कंट्रीज हैं, जिबूती है। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेड सी किन देशों से होकर के घिरा हुआ है। जिबूती के अलावा इरिट्रिया है, ओके, इसके अलावा यहाँ पे सऊदी अरेबिया, ओके, उसके बाद यहाँ पे सूडान है, और सूडान के अलावा क्या है, इजिप्ट। तो कितनी कंट्री हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नेशंस हैं, 6 देश हैं जिनसे होकर के ये रेड सी क्या है, घिरा हुआ है, इसलिए से कोल्ड क्लोज सी कह रहे हैं। ठीक है, 6 देश के नाम याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ग्रीनविच मीन टाइम इज अहेड बाई 12 आवर्स, द प्लेस में भी कितना डिग्री होगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 180 डिग्री ईस्ट। कैसे? आपको पता है कि जब हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो 1 मिनट बराबर कितना होते हैं, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं, तो 15 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। ओके, और हमको पता है कि ग्रीनविच लाइन से 5.5 घंटा क्या है, हमारे भारत देश टाइम आगे है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप, 15 डिग्री बराबर 60 मिनट है, और क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीनविच मीन टाइम इज अहेड बाय 12 आवर्स, 12 घंटे आगे है ग्रीनविच टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 × 15 = 180 degree। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन नंबर बी, 180 degree east। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ टेरिटरीज। वर्ल्ड वाइड बात हो रही है, पूरी दुनिया की बात हो रही है, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा देश सबसे ज्यादा है? ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे जब आप मैप देखेंगे और यहाँ पे रशिया को देखेंगे तो रशिया का क्षेत्रफल बहुत बड़ा दिखाई भी देता है, और डाटा में तो आपको फैक्ट पता ही होता है। तो ये जो रशिया है ये पूरी दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट रैंक पर आता है। किस रैंक पर आता है, फर्स्ट रैंक पर आता है। रशिया के बाद फिर उसके बाद कनाडा हो जाएगा, ओके, चाइना हो जाएगा, USA हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, देन इंडिया हो जाएगा। तो जब इंडिया की पोजीशन पूछेंगे कि इंडिया का क्या रैंक है वर्ल्ड वाइड क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, 7th पोजीशन इंडिया की हो जाएगी। तो आपको कम से कम पहले से लेकर के लास्ट इंडिया तक की जो रैंकिंग है अकॉर्डिंग टू एरिया, ओके, वो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए ऑप्शन, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन हैज ओल्डेस्ट रॉक इन इंडिया। इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में पूछा जा रहा है कि सबसे पुरानी जो रॉक स्ट्रक्चर है वो कौन सी है। नंबर 1 अरावली, नंबर 2 हिमालय, नंबर 3 शिवालिक, नंबर 4 नन। आपको पता है कि शिवालिक क्या है, शिवालिक तो हिमालयन का ही एक्सटेंशन है, हिमालयन का ही पार्ट है, ओके,
और जो शिवालिक है ये बिल्कुल न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि सभी जो स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं उनमें जो नवीनीकृत श्रृंखला है वो यंग एज में कहलाते हैं हमारा शिवालिक माउंटेन। ओके, तो ये तो हो नहीं सकता शिवालिक। दूसरी चीज, हमको ये भी पता है कि जो हिमालयन रीजन है इसका फॉर्मेशन हमारे पेनिनसुलर रीजन के बनने के कई सौ सालों बाद हुआ है। ओके, मतलब कि ये जो हमारा ट्रायंगल शेप है, जो पेनिनसुलर प्लेटू है, ये प्लेटू वाला पार्ट जो होता है ये ओल्डेस्ट वन है, पुरानी स्ट्रक्चर है। अब इसमें से भी आप आंसर के आसपास पहुंच जाएंगे कि पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट क्या है हमारा, ये अरावली माउंटेन। ये अरावली माउंटेन कहाँ पे स्थित है आपको पता है, ये राजस्थान में है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये राजस्थान की अरावली रेंज है ये इंडिया की ही नहीं बल्कि विश्व की, वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट रॉक स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर है। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ऑरेरा एरिया आर रिजल्ट ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ द अर्थ मैग्नेटोस्फीयर विथ, ऑरेरा करके एक कॉन्सेप्ट है। ओके, ऑरेरा जो है ये पृथ्वी की जो मैग्नेटोस्फीयर यानी कि बिल्कुल एक्सोस्फीयर वाली सबसे आउटर लेयर जो है इसके साथ कॉम्बिनेशन जो होता है वो किस क्या है। फिर से समझा रही हूँ क्वेश्चन, ऑरेरा, ओके, ऑरेरा अर्थ मैग्नेटोस्फीयर में से किसके साथ इंटरेक्शन के कारण बनता है। सबसे पहले समझ लीजिए ऑरेरा है क्या। हमारी जो अर्थ है, अर्थ में ये नॉर्दर्न पोल है और सदर्न पोल है। ओके, पूरा का पूरा ज्योइड शेप है। इस ज्योइड शेप में जो आउटर स्ट्रक्चर है यहाँ मैग्नेटोस्फीयर है। सन रेज जब आती हैं और इन रेडिएशन से इनका कोलाइजन होता है तो कुछ चमकदार ब्राइटनेस काइंड ऑफ यहाँ पे आतिशबाजी तरह की कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं, इन्हें ऑरेरा कहा जाता है। ओके, यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो इसे ऑरेरा बोरियालिस कहते हैं, बोरियालिस, और यदि सदर्न लाइट की बात करें तो इसे ऑरेरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 9th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, द सोलर विंड, यानी कि सौर्य जो किरणें हैं ये सोलर विंड्स की वजह से क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है मैग्नेटोस्फीयर में और ऑरेरा एरिया फॉर्म होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जैसे कि पृथ्वी का जो फ्लूइड कोर है, ओके, कोर का मतलब क्या, कोर का मतलब ये हमारी अर्थ है, अर्थ का बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट, कोर, देन मेंटल, देन क्रस्ट। ओके, तो इसी तरह से जो चंद्रमा है, हमारा मून है, उस मून का जो सेंट्रल एरिया है, जो मून का कोर है, वो किस फेज में है, किस स्टेट में है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है, यानी चंद्रमा का भी जो एरिया है वो सॉलिड फेज में रहेगा। ओके, कोर चंद्रमा का, मून का जो कोर है वो किस स्टेज में रहेगा, सॉलिड स्टेज में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी हैज नो कनेक्शन विद द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी पहले आग का गोला, धीरे धीरे ठंडी होती है, लोग समझने की कई सौ सालों तक कोशिश कर रहे होते हैं, अभी भी कर रहे हैं कि आखिर हमारी अर्थ स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे हुई, हमारा यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ। क्लियर, अब शुरू से लेकर के अभी तक बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, आपको क्या करना है, जो जो थ्योरीज दी गई हैं उस थ्योरीज का और थ्योरिस्ट का जिन्होंने उस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया है उनका नाम याद रखना है ताकि मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चन आए तो उन्हें आप सॉल्व कर पाएं। इसमें पूछा है नो कनेक्शन यानी नॉट आपको फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, कन्वेक्शन करंट थ्योरी ऑफ होल्म्स, ये हमारे ओरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेटेड नहीं है, बाकी तीन मैच करती है, कौन कौन सी, जैसे कि ए ऑप्शन है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलास, लैपलास ने नेबुलर हाइपोथेसिस दी थी। ऑप्शन नंबर बी है टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जीन्स एंड जेफरीज, राइट और है। ऑप्शन नंबर सी है बाइनरी स्टार थ्योरी ऑफ लिटन, ये भी सही है। ठीक है, तो गलत क्या है, ऑप्शन नंबर डी कन्वेक्शन करंट थ्योरी ऑफ होल्म्स। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं कि द कंटेंशन बगलिहार डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर। ओके, बगलिहार जो बांध परियोजना है ये किस नदी के ऊपर निर्मित है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन चेनाब, यानी जो चेनाब रिवर है इंडस रिवर सिस्टम का ट्रिब्यूटरी है, ये सब आपको पता है, तो चेनाब के ऊपर बगलिहार
डैम प्रोजेक्ट बना हुआ है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका अगला क्वेश्चन नंबर 13 है और कहता है कि द फिनोमिना कॉल्ड इक्विनोक्स. ओके, क्या बोल रहे हैं? इक्विनोक्स जो है, ये इक्विनोक्स कॉन्सेप्ट होता क्या है? तो इक्विनोक्स कॉन्सेप्ट क्या होता है? हमारी अर्थ होती है. ओके, अर्थ के चारों तरफ क्या है? ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है ना, हमें पता है ना. अब जब अर्थ पर 2 साल भर में 365 दिन में 356 डेज में एक ऐसी पोजीशन आती है जब जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ती हैं, यानी कि उस समय पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है इक्वेटर पे. ओके, तो उस कंडीशन को इक्विनॉक्स कहा जाता है. क्लियर, याद रखिएगा आप. तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइन एक्सिस. ओके, रोटेशन ऑफ द अर्थ, यस, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस, रेवोल्यूशन इसका सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी मिनट्स फॉर ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस वेरी फ्रॉम ग्रीनविच टाइम. ओके, अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था और क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन है ए, 4 मिनट. एक डिग्री पर कितना मिनट वैरी करता है? तो एक डिग्री पर 4 मिनट वैरी कर रहा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोविंग इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड की बात हो रही है, पूरी दुनिया में सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुला क्या है? पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप, प्रायद्वीप मतलब जिसका जो 3 सिरा है वो पानी से घिरा हुआ हो. ओके, जैसे यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया में इधर इंडियन ओशियन है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है. तो तीनों तरफ से ऐसा भूभाग जो पानी से घिरा हुआ होता है. ओके, अब लैंड एरिया विच इज सराउंडेड बाय द वाटर बॉडीज बाय 3 डायमेंशन. ओके, 3 साइड्स, तो 3 साइड से जो घिरा हुआ है वो क्या कहलाएगा? यहाँ पे पेनिनसुला कहलाएगा. अब वर्ल्ड वाइड बात करें कि सबसे बड़ा पेनिनसुला रीजन कौन सा है, तो यहाँ पे अरेबिया है. ओके, अरेबिया पेनिनसुला प्लेटू जो है वो सबसे बड़ा क्या है, लार्जेस्ट पेनिनसुला है वर्ल्ड का. क्लियर, इसमें भी आपको मैप में एक बार देख लेना चाहिए तो आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, द ग्रेट बैरियर रीफ रिफर्स टू. ग्रेट बैरियर रीफ, ओके, ग्रेट बैरियर रीफ है क्या? पहले क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या पूछ रहा है. द ग्रेट बैरियर रीफ रिफर्स टू ऑप्शन नंबर ए कोरल फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी टाइडल वेव्स, ऑप्शन नंबर सी हिल रेंज एंड ऑप्शन नंबर 4 मैनमेड वॉल्स. तो हाँ, ग्रेट बैरियर रीफ्स बहुत बड़ी दीवारें हैं, लेकिन ये मानव ने नहीं बनाई. इसके 3 ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है, ये कोरल फॉर्मेशन है. जब आप यहाँ पे वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो दुनिया के नक्शे में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और आप यहाँ पर देखेंगे पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर में आपको कोरल रीफ से बनी हुई बहुत लंबी स्ट्रक्चर दिखेगी, दीवाल नुमा संरचना दिखेगी, वॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, जिसका नॉमिनेशन किया गया है, नॉमिनेशन किया गया है ग्रेट वैरियर रीफ के फॉर्म में. ओके, ग्रेट वैरियर रीफ कोरल फॉर्मेशन है. ये कोरल क्या होते हैं? यूपीएससी में अक्सर ही, खासकर एनडीए में कोरल का एक क्वेश्चन रहता है, क्लाइमेटिक कंडीशन से कोरिलेट करके यूपीएससी कोरल रीफ को एक क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. तो कोरल रीफ है क्या? कोरल रीफ यानी कि मूंगी की चट्टान हिंदी में, यानी कि प्रबाल भित्ति. ओके, तो जब हम सी लेवल की बात करेंगे समंदर की, तो इस समंदर में अपना एक इनका क्लाइमेटिक जोन होता है. ठीक है, हम जानते हैं हाइड्रोस्फीयर है ही, उसके अलावा एक्वाटिक जो रीजन है जहाँ जलीय जीव जंतु अपना जीवन यापन करते हैं, मछली रहती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, इसी तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनका नाम कहा जाता है जूप्लैक्टन्स या फिर फाइटोप्लैक्टन्स. ओके, तो ये जो प्लैक्टन या जो फाइटोप्लैक्टन्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये जो प्लैक्टन्स फाइटोप्लैक्टन्स, फाइटोप्लैक्टन्स यानी कि पौधे और जो प्लैक्टन्स यानी उस तरह की जीव, तो ये स्पीशीज यहाँ से क्या करते हैं, कुछ
सेक्रेशन करते हैं सब्सटेंसेस का. ये सब्सटेंसेस सेक्रेशन जो होते हैं इस सेपरेशन सॉरी सेक्रेशन जो करते हैं ये सेक्रेशन की वजह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है. ये स्ट्रक्चर किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की. ओके ये स्पीशीज उस शेल को कैल्शियम कार्बोनेट की शेल यानी कि उस आवरण उस कवर के अंदर सर्वाइव कर रहे होते हैं और जब मरते हैं डेथ होती है इनकी तो ये उस जगह को छोड़ के बाहर जब निकल जाते हैं तो इसके ऊपर जो नया आता है प्रोलिप वो इसी तरह की एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है. अब एक टीला यानी कि एक स्टेज एक यहाँ पे फ्लोर उसके ऊपर दूसरा फ्लोर तीसरा फ्लोर चौथा फ्लोर इस तरह से एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर क्या होती है कैल्शियम कार्बोनेट की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो फॉर्म होती जाती है और एक बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं. वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं एक दीवार की तरह संरचना बना देती हैं एक चट्टान रॉक फॉर्मेशन कर देती हैं जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे इसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है. क्लियर? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? इंडिया का जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा कोस्टल लाइन है यानी कि तटीय जो इसकी सीमा है भारत देश की वो उसमें सबसे बड़ी किस राज्य की है? तो आपको पता है कि इंडिया के तीनों तरफ तो पानी है केवल इसका फोर्थ पार्ट ऐसा है अपर रीजन ऐसा है जो हिमालय से जुड़ा हुआ है. तो जब हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो गुजरात वाला कोस्टल एरिया है ये फर्स्ट रैंक पर आता है. ओके आंध्र जो है वो सेकेंड रैंक पे आता है. इस तरह से आपको रैंक वाइज सबको अरेंज कर लेना है. फॉर एग्जांपल गुजरात का जो कोस्टल एरिया है 1915 सेकेंड पे आंध्र प्रदेश 1037 थर्ड है आपका तमिलनाडु फोर्थ है आपका केरल फिफ्थ है आपका महाराष्ट्र सिक्स्थ है आपका ओडिशा सेवेंथ है आपका कर्नाटक और एट्थ है आपका गोवा और नाइन्थ है आपका दमन दीव. ओके सॉरी कर्नाटक से पहले वेस्ट बंगाल भी आएगा. गुजरात आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरल महाराष्ट्र ओडिशा वेस्ट बंगाल कर्नाटक गोवा और दमन दीव ये इनका रैंकिंग अरेंजमेंट है. पर क्वेश्चन क्योंकि पूछा हुआ है कि इंडियन स्टेट में सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन क्या है और उसमें आपको गुजरात ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो हम किसको कंसीडर करेंगे आंसर को? सेकंड रैंक पे जो कोस्टल लाइन आ रही है और सेकंड पे कौन सी आ रही है? सेकंड पे आ रही है आंध्र प्रदेश. ओके डन. तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 17 का? ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. टेहरी डैम जो है बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑन रिवर. टेहरी डैम किस रिवर पे बना हुआ है? फैक्चुअल क्वेश्चन भागीरथी रिवर पर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19. द टर्म एपिसेंटर इज एसोसिएटेड विद. एपिसेंटर क्या है? तो एपिसेंटर जो होता है ये कॉन्सेप्ट आपका अर्थक्वेक से रिलेटेड है यानी कि भूकंप से. ओके अर्थक्वेक में क्या ये संरचना है ये क्रोड है ये मेंटल है. जब भी यहाँ पे अर्थक्वेक मूवमेंट होगा यानी कि कोई फोकस बनेगा तो इस फोकस में क्या होगा इसका जहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे जो फील किया जाएगा अर्थ क्रस्ट पे उस सेंटर को कहा जाता है एपिसेंटर. तो ये किससे एपिसेंटर रिलेटेड होता है? भूकंप से अर्थक्वेक से ये संरचना ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20. विच इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर. ओके एटमोसफेयर का सबसे लास्ट जो लेयर होती है वो कौन सी? ट्रोपोस्फेयर है. फैक्चुअल क्वेश्चन आप सबको पता है कि अर्थ स्ट्रक्चर है यहाँ पे सबसे लोअर कौन सी होगी? ट्रोपोस्फेयर जिसे क्षोभ मंडल कहेंगे. उसके बाद आएगी स्ट्रेटोस्फेयर जिसे समताप मंडल कहेंगे. उसके बाद आएगी मेसोस्फेयर जिसे मध्य मंडल कहेंगे. उसके बाद आएगी आइनोस्फेयर जिसे थर्मोस्फेयर भी कहा जाता है. उसके बाद आएगी एक्सोस्फेयर जिसे बहिर्मंडल कहेंगे. ओके ये लेयर्स का इसमें सिक्वेंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन अमंग द फॉलोइंग द सेलेस्टियल बॉडी फार्थेस्ट फ्रॉम द अर्थ इज. यानी कि पूरा का पूरा ये क्या है मान लीजिए कि पूरा हमारा सोलर सिस्टम है. ओके सोलर सिस्टम में सेंटर में सन है. सबसे पहला जो प्लैनेट आता है मर्करी आता है. सबसे दूर का जो प्लैनेट है वो क्या है? नेपच्यून है क्योंकि प्लूटो तो 2006 में ही हटा दिया गया. अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सेलेस्टियल बॉडी जो है वो कौन सी है हमारी यूनिवर्स में सबसे दूर. तो ऑप्शन दिया है सैटर्न यूरेनस नेपच्यून और प्लूटो. आंसर होगा प्लूटो.
प्लूटो प्लैनेट नहीं है लेकिन वो हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट तो है, एक पिंडनुमा संरचना तो है, तो हम प्लूटो को क्या कंसीडर करेंगे? सेलेस्टियल बॉडी करेंगे कंसीडर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्लूटो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, पॉलिटी के क्वेश्चन शुरू हो गए। द कॉन्सेप्ट ऑफ द डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी वॉज वोरोड बाय आर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, हम सबको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उधार का कॉन्स्टिट्यूशन है, बोरोइंग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग देशों से हमने लेकर के खिचड़ी बना के रखी है। ओके, एक अच्छी वाली खिचड़ी। तो हमारे यहाँ पे जब डीपीएसपी की बात आएगी तो डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व ये किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ओके, किस भाग में रखे गए हैं? तो पार्ट 4 में इनको प्लेस किया गया है। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक इसका क्या किया गया है? जिक्र किया गया है। ठीक है, डीपीएसपी को एक एक करके आपको देख भी लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें है कि फंडामेंटल राइट आर नॉट गिवन टू। अब फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट हमारा जो मौलिक कर्तव्य है जिसे पार्ट 3 में रखा गया है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 के बीच में रखा गया है, हमारे मौलिक कर्तव्य हैं जिनको हमसे मौलिक अधिकार हैं जिनको हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तो ये जो है ये क्या सभी को दिए गए हैं? क्वेश्चन पढ़ते हुए हमेशा याद रखना है कि हर एक सिटीजन को इसको सारे दिए हुए, सिटीजन मतलब जिसके पास भारतीय नागरिकता पाँचों तरीकों से ली गई है ना, हमारे पास सिटीजनशिप है, हमारे पास हमारी भारत के होने का प्रमाण है। इसके अलावा इंडिविजुअल्स में कौन आ जाएंगे? जो बाहरी देश में निवास कर रहे हो, जैसे कि किसी ने किसी दूसरे देश की सदस्यता ले ली हो, इंडियन सिटीजनशिप ना हो पर इंडिया का नागरिक रहा हो। ओके, या कोई फॉरेनर हो जो कि इंडिया में आकर के कुछ समय के लिए यहाँ सर्वाइव कर रहा हो, यहाँ का वीज़ा लेकर के रह रहा हो, अपना कोई प्रोजेक्ट या अपनी कोई कंपनी डील कर रहा हो, रन कर रहा हो, तो इस तरह के जो राइट्स हैं फंडामेंटल राइट, क्या उन इंडिविजुअल्स को भी दिए गए हैं? हाँ, दिए गए हैं। ओके, अब डिफ्रेंशिएट करने हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि फंडामेंटल राइट आर नॉट गिवन टू। नंबर 1, बैंक्रप्ट पर्सन यानी जिसका दिवालिया निकल गया हो, बैंक ने उसे दिवालिया घोषित कर दिया हो। ओके, बैंक्रप्ट यानी बिल्कुल पैसा नहीं, उसने लोन लेके रखा था, उसने फिल नहीं कर पाया था, लेकिन उसको क्या किया गया? हटा दिया गया। ठीक है, बैंक्रप्ट कर दिया कि ये है ही नहीं देने लायक, तो क्या इसके फंडामेंटल राइट नहीं रहेंगे? रहेंगे। ओके, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नॉट गिवन टू, हमें फाइंड आउट करना है कि किसे नहीं दिया गया है। तो बैंक्रप्ट पर्सन, इसे तो दिया जाएगा। बी, एलियंस, एलियंस का मतलब है यहाँ पे फॉरेनर्स। ओके, तो फॉरेनर्स को भी दिए गए हैं। ओके, नंबर सी, पर्सन सफरिंग फ्रॉम द इनक्यूरेबल डिजीज, अब किसी को कैंसर हो जाए है ना, या फिर किसी को कोई भी भयानक बीमारी हो जाए, तो क्या उसके फंडामेंटल राइट छीन लिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं, फंडामेंटल राइट उन्हें भी दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी आते हैं, पॉलिटिकल सफरर्स। ओके, पॉलिटिकल सफरर्स जो होते हैं इनको फंडामेंटल राइट नहीं दिए गए हैं। ओके, जो किसी देश में पॉलिटिकल क्राइसिस वगैरह को झेल रहे हैं उनको इंडिया में फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं किए, बाकी सबको दिए गए हैं। फॉरेनर्स को याद रखिएगा, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 20 है, 21 है, 22 है और 21A है, 22 से लेकर 28 तक है, ये सारे के सारे आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट के फॉरेनर्स को भी प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन यदि कोई एनिमी एलियन है, ठीक है, यदि हमारे देश ने उसे दुश्मन नई देश घोषित करके रखा है, तो एनिमी एलियन को हम आर्टिकल नंबर 22 नहीं देते, जो निवारक निरोध है हमारे लिए। ओके, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन है, तो आर्टिकल 22 का कॉन्सेप्ट उन्हें नहीं दिया गया। इतना डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है, फंडामेंटल राइट इंडिया के कॉन्सेप्ट से देख लीजिए, उतने सफिशिएंट है आपके प्री एग्जामिनेशन के लिए, स्क्रीन टेस्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द। इम्पीचमेंट कॉन्सेप्ट क्या है? इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग। ओके, क्या होता है? महाभियोग। तो इम्पीचमेंट मतलब हटा देना, रिमूव कर देना। ऑप्शंस देखते हैं, CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, थर्ड ऑप्शन है आपका गवर्नर और फोर्थ ऑप्शन है आपका वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है
वो से के अकॉर्डिंग आंसर है यहाँ पे सी गवर्नर। गवर्नर का मतलब होता है, गवर्नर का मतलब है यहाँ पर कि गवर्नर को तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है ना, ओके। और जब भारत का राष्ट्रपति उनका अपॉइंटमेंट कर रहा है तो हमारे आर्टिकल 156 में कहा गया है कि वो राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत, ओके, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 156 कहता है कोई भी किसी भी स्टेट का राज्यपाल रह सकता है, ओके। और इम्पीचमेंट का जहाँ तक सवाल है तो ये हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए और जो CJI होते हैं यानी कि जो जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, उनके लिए इस टर्म्स को यूज़ किया जाता है। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट देखते हैं जिसमें है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन, ठीक है, जिसका कॉन्सेप्ट अब तो रहा नहीं, प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग, यानी 1950 में बना था, 1950 में, और 2015 के फर्स्ट जैन को उसे हटा करके उसकी जगह पे नीति आयोग आ गया। लेकिन स्ट्रक्चर लगभग वैसी ही रही, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि कौन चेयरमैन होगा उस ऑफिस का, तो जो अध्यक्ष होता है, जो चेयरमैन होते हैं वो PM होते हैं, ओके। योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन के भी जो चेयरमैन होते थे वो PM ही होते थे। अभी नीति आयोग है, एट प्रेजेंट हमारे प्रेसिडेंट श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो भी यहाँ पर क्या रहेंगे, आंसर हमारा सही क्या हो जाएगा, PM, ओके। नीति आयोग का भी PM है और यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाला, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो कितने साल के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, ऑप्शन देखते हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि विद द टेन्योर ऑफ द लोकसभा, जब तक लोकसभा रहेगी, ओके, तब तक। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है विद द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट रहेगा तब तक, प्रेसिडेंट से तो कोई रिलेशन ही नहीं है एग्जीक्यूटिव का यहाँ पर, ओके। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है एज लॉन्ग एज द ही इंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा, इस ऑप्शन को होल्ड पे रखते हैं। और ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं 5 ईयर। अब इसमें से मैक्सिमम लोग गलती ये करते हैं कि उनके दिमाग में बैठा हुआ होता है कि सरकारें जो लोकसभा की होती हैं तो 5 साल के लिए ही चुनी जाती है, तो 5 ईयर वो टिक मार्क कर देते हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि 1998 में अटल जी की जो सरकार थी वो 13 दिन की क्यों हुई थी। कहने का मतलब ये है कि लोकसभा इलेक्ट होकर के मेंबर्स आ रहे हैं, ओके, लोकसभा में मेजोरिटी के साथ अपनी पार्टी बना रहे हैं, तो जब तक मेजोरिटी मंत्रिपरिषद यानी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल यानी आर्टिकल नंबर 74 का इनके ऊपर विश्वास है, ओके, तब तक क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर जो रहेगा वो अपनी पावर्स को अपना एंजॉय कर पाएगा, यानी 5 साल फिक्स नहीं, 5 साल के पहले 2 साल 3 साल 10 दिन में भी वो सरकार गिर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टेन्योर जो है प्राइम मिनिस्टर का वो हो सकते हैं जब तक कि मेजोरिटी है लोकसभा में उनके पास, बहुमत है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, हु इज नोन एज द लेडी विथ लैम्प। ठीक है, लेडी विथ लैम्प का इसका फैक्चुअल क्वेश्चन है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वो लेडी थी, इन्होंने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे जो सैनिक घायल हुए थे उनके लिए एज अ नर्सिंग काम किया था, मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाइयाँ वगैरह ट्रीट कराई थी। 12 मई को हम नर्सिंग डे भी सेलिब्रेट करते हैं इन्हीं के नाम के ऊपर, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से इन्हें लेडी विथ लैम्प कहा जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज इंस्टीट्यूटेड द तानसेन सम्मान। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मान है तानसेन, तानसेन म्यूजिक के फील्ड पे आपको ये नाम काफी मिलेगा, ध्रुपद के बड़े गायक थे, अकबर के 9 ज्वेल्स में शामिल थे यानी नवरत्नों में, और ये मध्य प्रदेश की ही रीवा रियासत से उनके दरबार में भेजे गए थे। तो जो तानसेन है ये तानसेन सम्मान भी मध्य प्रदेश स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, और इस साल ये मंजू मेहता को दिया गया है, ठीक है, इसलिए ये भी याद रखना है। 2 लाख रुपए का इसमें अवार्ड जो प्राइस कॉस्ट है वो दिया जाता है। तो तानसेन जो अवार्ड है वो कौन सा स्टेट देता है, मध्य प्रदेश देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर नंबर बी, ओके।
और मंजू मेहता सितार वादन से संबंधित हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इन विच स्टेट ऑफ द फोक पेंटिंग मधुबनी इज पॉपुलर। मधुबनी इंडिया की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही फेमस वन ये पेंटिंग है। ओके, मधुबनी। मधुबनी एक जगह भी है, कहाँ पे? भारत देश का जो बिहार स्टेट है, बिहार, बिहार में मधुबनी करके एक जगह है। वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी संस्कृति में आज भी विद्वान है। आज भी घर घर में मधुबनी पेंटिंग को चित्रित किया जाता है, कपड़ों पे, साड़ियों पे, दीवालों पे इसको बना करके लगाया जाता है। और मधुबनी पेंटिंग में तांत्रिक विद्या का भी प्रभाव देखा गया है, ऐसा कहा जाता है। तो जो भी पेंटिंग्स हैं अलग अलग तरह की, उनके बारे में आपको ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए, जहाँ तक इसका सवाल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? बिहार। ओके, मधुबनी इज पॉपुलर इन विच स्टेट? आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द हॉट स्पॉट फॉर बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया? योर ऑप्शन इज अ वेस्टर्न घाट, नंबर बी सुंदरबन, नंबर सी चिल्का लैगून, नंबर डी ईस्टर्न घाट। इसका राइट आंसर पहले बता दूं, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ए ऑप्शन, वेस्टर्न घाट। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ये भी हर एक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कैसे? इंडिया की जब बात करते हैं, इंडिया की जो मेन लैंड है, मेन लैंड यानी हम टेरिटरी की बात नहीं कर रहे हैं, अंडमान निकोबार यहाँ पर या फिर यहाँ पर लक्षद्वीप की, इंडियन टेरिटरी में हमारे वेस्टर्न घाट है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट में जो वेस्टर्न घाट है इसको हॉट स्पॉट कहा जाता है। ओके, दूसरी चीज, जब हम हिमालयन रीजन की बात करेंगे तो जो ईस्टर्न घाट है, सॉरी ईस्टर्न हिमालय है यानी पूर्वी हिमालय, इसको भी हॉट स्पॉट की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा चार जो इंडियन टेरिटरी के बाहर है उनको भी कह सकते हैं हम, थोड़ा सा पार्ट म्यांमार के साथ अंडमान निकोबार को ऑक्यूपाई करता है, और यहाँ पे जो रीजन रहता है सुंदरवन का वो भी कंसीडर किया जाता है। ओके, तो टोटल चार हो गए, लेकिन इंडियन लैंड पे क्या हो गए? एक हो गया आपका वेस्टर्न घाट और दूसरा हो गया ईस्टर्न हिमालय। ये दो हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट होता क्या है? तपस्थल होता क्या है? बायोडाइवर्सिटी यानी कि विविधता। ओके, हमारी पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें क्या है, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, चाहे वो प्लांट स्पीशीज़ की बात की जाए, चाहे वो एनिमल स्पीशीज़ की बात की जाए, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड टाइम टू टाइम क्या हो रही है? ख़त्म होने की कंडीशन में आ गई हैं, एक्सटिंक्ट हैं, एंडेंजर्ड हैं, वल्नरेबल है। ओके, अब इन स्पीशीज़ को जो वर्ल्ड वाइड तो ख़त्म हो रही हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर प्लेस में ये प्रचुर मात्रा में है, बल्क अमाउंट में है, तो उस क्षेत्र को क्या कर दिया जाता है? हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है। यानी याद रखना है, वहाँ उस चीज़ की कमी नहीं है, अच्छी खासी मात्रा में वो मौजूद है। ठीक है, चंदन के पेड़ यहाँ पर भी हैं तो यहाँ पर भी हैं, भले इंडिया में और कहीं ना दिख रहे हो। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वेस्टर्न घाट, और दूसरा ऑप्शन यदि कभी रहे तो ईस्टर्न हिमालय भी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कन्वेंशनल रेनफॉल यानी कि जो संवहनीय वर्षा है वो किस क्षेत्र में होती है? आपके ऑप्शन है नंबर वन इक्वेटोरियल, नंबर टू टेम्परेट रीजन, नंबर थ्री ट्रॉपिकल रीजन, और नंबर फोर है आपका पोलर रीजन। पोलर रीजन ध्रुवीय क्षेत्र। ओके, तो आपको पता है ये हमारी अर्थ है ना, अर्थ में ये पोलर रीजन है जहाँ सूर्य की रोशनी कम पहुँच रही है और अच्छी खासी बर्फ है। ये सेंटर वाला लेवल आपका इक्वेटर कहलाते हैं, यहाँ सूर्य की किरणें हमेशा मिलेंगी। ओके, जब हमेशा मिलेंगी तो यहाँ पे आसपास सागर हैं, तो ज़्यादा पानी पड़ने की वजह से यहाँ एवोपरेशन ज़्यादा होगा, एवोपरेशन ज़्यादा होगा, बारिश ज़्यादा होगी, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे क्या होगी? कन्वेंशनल रेन होगी। ओके, संवहनीय वर्षा होती। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इक्वेटोरियल रीजन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज डज नॉट हैव अ बॉर्डर विद मिजोरम? अब इसके लिए आपको मैपिंग देखनी होगी, इंडिया का मैपिंग स्ट्रक्चर देखना होगा कि कौन सा बॉर्डर नहीं बनाता है मिजोरम के साथ। म्यांमार, असम, त्रिपुरा ये सब तो उससे घिरे हुए हैं, लेकिन जो नागालैंड है साइड में है, तो नागालैंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नॉट पूछा है, नागालैंड इससे मैच नहीं करता मिजोरम से। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम इंटरवल परमिटेड बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट यानी संसद। तो जब हमारी इंडिया के कॉन्सेप्ट में बात की जाए तो एक साल यानी 12 महीने, 12 महीने में कितनी बार बैठेगी हमारी संसद? हमारे संसद का जो सत्र काल होता है मेनली तीन होता है। ओके, एक होता है विंटर सेशन दिसंबर टाइम पे, एक होता है आपका मॉनसून सेशन
जो कि जुलाई टाइम पे, और एक होता है आपका बजट सेशन यानी कि फरवरी में जो स्टार्ट होगा, इस साल लोकसभा चुनाव है तो शायद वो फरवरी फर्स्ट वीक जनवरी लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाए। तो कंक्लूजन ये है कि एक साल में मिनिमम दो बार यानी 6 महीने के इंटरवल पे इस सेशन को मीटिंग करनी ही करनी है, बैठने ही बैठना है। ओके, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या हो सकती है, 6 मंथ हो सकती है, अभी फिक्स नहीं है। एक साल में आप कितनी भी बार सत्र बुला लीजिए, आ जाइए बैठ जाइए, लेकिन दो बार तो कंपलसरी है, दो बार सत्र ऑर्गेनाइज होना ही होना चाहिए। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा 33 का, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइटम एजुकेशनल बिलोंग्स टू द, ओके तो एजुकेशन यानी जो शिक्षा है वो किस से संबंधित है, किस लिस्ट से? आपने देखा है कि शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, एक सेंटर है, एक स्टेट है, एक कंकरेंट लिस्ट है, और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ओके, अब आते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के। 34 क्वेश्चन हमारे क्या थे, ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो लगभग पूछे जाते हैं। अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, फैक्ट बेस्ड हैं, बहुत एनालिसिस नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम कोंकण 18 विल बी हेल्ड इन द स्टेट, कोंकण 18 करके जो अभी नेवल एक्सरसाइज हुई है ये किन किन देशों के बीच में हुई है? तो इसका राइट सॉरी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कहाँ पर हुई है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में कहाँ पर हुई है? तो गोवा, कोंकण वाला जो रीजन है, ओके ये वाला रीजन, गोवा से मैंगलोर, ये कोंकण रीजन ही कहलाएगा। तो यहाँ पे इस कोस्टल एरिया में ये नेविगेशन क्या हुआ है, एक्सरसाइज हेल्ड हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज इम्पोज्ड द मार्शल लॉ, हाल ही में किसने मार्शल लॉ को इम्पोज किया है? तो इसका आंसर है यूक्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड चाइना ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैंड इन हैंड किस सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ है? तो ये हुआ है चेंगडू, जो कि चाइना में ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, विच कंट्री एयरफोर्स विल बी एंगेज विद इंडिया इन अ 12-day ज्वाइंट एक्सरसाइज कोप इंडिया 2019? ओके, तो किस देश के साथ कोप इंडिया 2019 हमने एक्सरसाइज की है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यूएस, यूनाइटेड स्टेट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, विच कंपनी एम्प्लॉय हैज रिटन अ पब्लिक लेटर आस्किंग द कंपनी टू विदड्रॉ इट्स प्रोजेक्ट ड्रैगन फ्लाई? ये भी आ सकता है कि ड्रैगन फ्लाई किस कंपनी से रिलेटेड है, तो इसका आंसर है ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट जो है वो ऑप्शन नंबर सी, गूगल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थीम के क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थीम ऑफ द वर्ल्ड एड्स डे, ओके वर्ल्ड एड्स डे की थीम इस बार की क्या थी यानी 2018 की? तो आपका आंसर है इसका नो योर स्टेटस। ओके, नो योर स्टेटस, अब ये तो थीम हो गई। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 1 दिसंबर को, हर साल के 1 दिसंबर को एड्स डिजीज को क्या होता है, अवेयर करने के लिए 1 दिसंबर को एड्स डे के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है। फुल फॉर्म इसका क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, क्लियर, और इसके अलावा HIV वायरस होते हैं जिसकी वजह से होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41, नाटो विद द फीमेल आर्मी चीफ टू द पोस्ट ऑफ द हेड ऑफ इट्स आर्मी, ठीक है, फर्स्ट नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी फीमेल आर्मी चीफ पहली बार बनी है? तो इसका आंसर है आपका स्लोवानिया, स्लोवानिया कंट्री की है जो नाटो की चीफ बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, विच स्टेट इमर्ज्ड फोकस कंट्री एट द 38 इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, 38, तो ये क्या था, फेयर चल रहा था। अब इस फेयर में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में किस कंट्री को फोकस किया गया था? तो नेपाल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, रेलवे विल स्टार्ट द स्पेशल पंचतख्त एक्सप्रेस, ओके ये कौन से 5 स्टेट को कवर करेगा? क्योंकि सिख समुदाय गुरु नानक जी की जयंती का 150वां साल मना रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड जितने फैक्ट हैं देखिए आप। इसका राइट आंसर है किस रिलीजन को, तो ऑप्शन नंबर डी सिखिज्म। ओके, 5 कौन कौन सी जगह है इनके नाम भी देख लीजिएगा, श्री दमदमा साहिब जो कि भटिंडा में है, दूसरा अकाल तख्त साहिब अमृतसर में है, तीसरा केशगढ़ साहिब जो कि आनंदपुर में है, और आपका नेक्स्ट है हरिमंदिर साहिब
जो कि पटना में है. ओके, यहाँ पे ये ट्रेन इन जगह पे चलाई जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन 44. कंट्री फर्स्ट ओल्ड फेस्टिवल विच हेल्ड सिटी. किस जगह पर उल्लू महोत्सव को मनाया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? पुणे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45. 24th मीटिंग कॉप की जो हुई है, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा भी कि कॉप 24 जो है वो किस कंट्री में होस्ट किया गया? तो आंसर है आपका पोलैंड. हो सकता है कि पोलैंड कंट्री ना पूछ करके उस जगह का नाम पूछ ले, तो आंसर है आपका काटोवाइस. ओके, दोनों ही याद रखना है. कॉप 24 किससे रिलेटेड है? ये है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इश्यू बना हुआ है, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग. ओके, और इसको जब से 1972 यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन से, स्टॉकहोम कन्वेंशन से स्टार्टिंग हुई थी. 1991 में हमने क्वेटो प्रोटोकॉल भी देख लिया, 1991 में हमने अर्थ समिट देख ली, रियो डी जेनेरो देख लिया, 1997 में हमने क्वेटो देखा और पेरिस 2015 में देखा. इन सबका आगे कंक्लूजन जो कंटिन्यूस वे है वो है अभी यहाँ पर हुई है कोप 24 कहाँ पर? पोलैंड में. तो ये भी याद रखना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड मीटिंग ऑफ द नीति फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट वॉज हेल्ड इन द सिटी. तो आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस बार कहाँ हुई है नीति की सेकेंड मीटिंग? गुवाहाटी में. ठीक है, अब तो फिर पहली कहाँ हुई थी? पहली अप्रैल में ही 2018 में हुई थी, जो जगह था अगरतला. नॉर्थ ईस्ट का क्वेश्चन है इसलिए ध्यान रखना है कि सेकेंड नीति फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट कहाँ पर हुआ है? गुवाहाटी में. इसके वाइस चेयरमैन नीति आयोग के इस मीटिंग को अटेंड करने गए थे. वाइस चेयरमैन का नाम क्या है? राजीव कुमार. ओके, सीईओ कौन है नीति आयोग के? तो आपको पता है अमिताभ कांत. तो ये चीज़ें भी माइंड में रखनी है. अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रॉप्ड इन वूम एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स डिजिटल ऐप योनो. क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि योनो जो है, यानी कि योनो का फुल फॉर्म क्या है? यू ओनली नीड वन. तो ये योनो जो है ये ऐप किस से रिलेटेड है? SBI से रिलेटेड है. ओके, अब इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर है स्वप्ना वर्मा. क्या नाम है? स्वप्ना वर्मा. अब ये स्वप्ना वर्मा क्वेश्चन इनसे ये भी आ सकते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या किया? तो इन्होंने अभी जकार्ता में एशियन गेम्स हुए थे उसमें गोल्ड मेडल बनी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. अगला क्वेश्चन कौन से है? शिनायु मैत्री एयर एक्सरसाइज इंडिया और किस देश के बीच में हुई है? तो इंडिया और जापान के बीच में हुई है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49. विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ यूनिक इनिशिएटिव कॉल्ड स्मार्ट. स्मार्ट जो है ये किस से रिलेटेड है? किस राज्य ने इसे स्टार्ट किया है? तो स्मार्ट जो स्टार्ट किया है इस स्टेट का नाम है महाराष्ट्र. इसका थीम है फॉर एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, इसका एम है एग्री बिजनेस यानी कि जो भी कृषि संबंधी उत्पाद है उनका क्या करना? व्यापारीकरण करना, वाणिज्यीकरण करना, इससे रिलेटेड है. लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल हैज अप्रूव्ड इंडिया प्रपोजल टू ऑब्जर्व एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. इंटरनेशनल दालों का जो वर्ष है, अंतर्राष्ट्रीय दाल वर्ष, ये किस ईयर को प्रपोज किया गया? तो 2019 को इंडियन इंटरनेशनल मिलेट्स ऑफ ईयर घोषित किया गया है. इस तरह से हमारे 50 क्वेश्चंस जो टेस्ट नंबर 08 था उसके हमने सॉल्व किए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. एनालाइज कीजिए और इसके फैक्ट्स ढूंढिए और अपने एग्जाम्स को बेस्ट परफॉर्म कीजिए. थैंक यू सो मच.